तो भाई अंकल जी ने जो है जाम लगाया तोड़ दिया, बात यह है या नहीं अंकल जी? थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ऐसा हो गया था मैनेजर साहब भाई ने बताया कि ब्लैक विलेज है, ब्लैक विलेज नहीं है भाई, है ना? तो भाई ये जो है ना पांचों डीलर उसी गांव से है जिस गांव में ट्रैक्टर जा रहा, कुबोटा सोनालिका सोलिस है जी, प्रीत और सौराज। तो एक हिसाब से डीलर ने डीलर को ही ट्रैक्टर दे दिया है, मान लो आप। तो दो साल बाद भाई ट्रैक्टर जा रहा, ये संजीव भाई है, इन्होंने गलत बता दिया था मुझे भाई संजीव, नहीं नहीं गलत नहीं बताया था, ब्लैक विलेज का नाम लिया था ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जो भाई ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर ले, जो भाई यूट्यूब पर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है भाई। एक होता है दोस्तों, आपने सुना होगा, मतलब ब्लैक विलेज, येलो विलेज और रेड विलेज, ये सभी चीज़ें क्या होती है आपको आज की वीडियो में दोस्तों ध्यान से देखना भाई, पता चल जाएगा, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ये यहाँ पे है अंकल जी, ये जो है ना डिस्क्रिप्शन प्लेट है, इस पे है मैनुफैक्चरिंग जो ईयर है, ये भाई जो है अंकल जी मैनुफैक्चरिंग ईयर देख रहे हैं 2023 मॉडल है। और जो भी भाई नया ट्रैक्टर लेते हैं तो भाई एक बार आपको देख लेना चाहिए, हो सकता है कि डीलर आपके साथ जो है धोखाधड़ी कर रहा हो। बहुत डीलर भाई ये काम करते हैं, जो भोले भाले किसान हैं भाई उनके साथ में धोखाधड़ी कई बार होती है। ये अंकल जी कहाँ से लाए मेरा? अच्छा भाई लो, अपनी लेगा जी। अच्छा भाई अपनी माला लेगा अंकल जी, ये तो यहाँ से मिले ही है जी वैसे गिर के। चलो सुनो सुनो भाई जी, इसे लेकर इसे लग हैं, इसे यहाँ लगवा, फिर यहाँ लगवा। अंकल जी पता नहीं था मतलब ऐसे ही लिए है अपना ये मगर भाई कभी ना हो, एक संडे हुआ है। अच्छा जी हाँ, इतवार है भाई, इतवार की वजह से भी कुछ। मैनेजर साहब आप सब एक मिनट थोड़ा सा इधर को आओ ना, ये ट्रैक्टर कौन से गांव में जा रहा? पीरखेड़ा जी। चलो पहले माला लगा दो एक बार, जब करते हैं आपसे बात। एक तो अपना नाम बताओ जी। कविंदर कुमार। कविंदर कुमार जी, गांव पीरखेड़ा। पीरखेड़ा जी। अच्छा ये बताओ जी, पीरखेड़े में कितने ट्रैक्टर हैं आई सर के? आई सर के तो काफी, 5-6 ट्रैक्टर मतलब जो बाद के ब्लैक नए वाले हैं, मतलब सिंगल सिलेंडर है जी? बड़े भी 485 भी है, 385 भी है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ब्लैक विलेज के सुमत है ना? अच्छा है जी, मतलब आई सर के पहले। तो ये बताओ इससे पहले किस कंपनी का ट्रैक्टर चला रहे थे? 565। अच्छा जी भाई, पीरखेड़े के ये बताओ आप यहाँ मतलब कितने डीलर हैं पीरखेड़े से? जितने पुराने ट्रैक्टर व्यापारी हैं। नाम बताओ बोल का, कौन कौन है मतलब पीरखेड़े से, पता लगना चाहिए ना भाई। मोनू एक तो मोनू सोनालिका वाले डीलर जो है पीरखेड़े से, और कुबोटा वाले पीरखेड़े से है। कुबोटा वाले भी? अच्छा जी, वाले पीरखेड़े से हैं। तीन प्रीत वाले भी पीरखेड़े से हैं। प्रीत वाले भी? चार। सौराज वाले पीरखेड़े से हैं। सौराज वाले भी? पांच। तो पांच डीलर जो है पीरखेड़े से है। अंकल जी मानो जैसे ये पांच के नाम बताए, और भी ट्रैक्टर है हमें पसंद नहीं है आपको? मतलब प्रीत है, उसकी कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, मार्केट नहीं है, कुछ नहीं है। सौराज? सौराज का तेल का पंपा है। हाँ तेल तो ज़्यादा खावा है तो। अच्छा बाकी हो रहा है जी, कुबोटा पुबोटा है? ये तो बड़े हो गए, तेल में औसत नहीं आता। अच्छा हाँ, कुछ अलग खूबी दिखाई दी आपको इसमें? हाँ तेल का माइलेज भी, मेंटेनेंस भी। अच्छा अच्छा अच्छा, सब कुछ बढ़िया है। एक किस्म से कुमाऊपुत्र है ये। हाँ कुमाऊपुत्र है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ऐसा हो गया था मैनेजर साहब भाई ने बताया कि ब्लैक विलेज है, ब्लैक विलेज नहीं है भाई, है ना? तो शुरू में बोल दिया था मैंने। ये कंपनी का है, कंपनी का ये है, कंपनी के साथ है। काफी टाइम से ट्रैक्टर, काफी टाइम से वहाँ पे 2 साल से ट्रैक्टर नहीं जाता, इसलिए पिछले 2 साल से ट्रैक्टर नहीं गया मतलब, इसलिए वहाँ पे 3 साल से रहा इसलिए। अच्छा ब्लैक विलेज में काउंट कर ले कंपनी, काउंट कर लेगी 3 साल से। एक बार किसान एक बार ले लो तो 10-15 साल उसे जरूरत ही नहीं है। तो इसकी हाँ बात ये भी सही है, 10-15 अपने अपने नियम है, कंपनी हर साल अपना रिपोर्ट रखती है, कंपनी सोचती है कि हर 2 साल से ट्रैक्टर वाला चाहिए। तो आपने ये चीज समझ गए ना, क्लियर कर दी कि ब्लैक किस हिसाब से है, यानी ट्रैक्टर अंकल जी बता ही रहे हैं वहां ही सर के। हां सर के कोई किसी को 3 साल से लगा ट्रैक्टर जा रहा तो ब्लैक विलेज में आ जा, कंपनी पहले जाते थे 3 साल से नहीं जा रहे तो ब्लैक में। तो भाई अंकल जी ने जो है जाम लगाया तोड़ दिया, बात यह है या नहीं अंकल जी?
और भी जाने की उम्मीद है। इससे पहले तो हमने 2 साल हो लिया, एक दूसरे से लेटर दिया था। अच्छा 2 साल पहले, नहीं 2 साल बाद तो जाम वैसे ही नहीं के उस पर जा रहा ना भाई, जाम तो नहीं तो अंकल जी ना, नहीं भाई बिल्कुल 2 साल बाद जो ट्रैक्टर लेकर गया, मल्टी सिलेंडर ट्रैक्टर है, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है भाई, 80 भी कहीं है 85 भी है। और मतलब अंकल जी अपने घर के लिए है जी किराए वराये में? घर के लिए अपना मतलब पर्सनल काम बस। कितनी जमीन है अंकल जी घर की? 105 बीघे तो इसी से करागा सारी खेती है। और रोटावेटर वगैरह जी है? धन्यवाद अंकल जी आपका। तो पीरखेड़ा में जा रहा भाई ट्रैक्टर, 5 डीलर गिनवाए जो है मैनेजर साहब ने, 5 डीलर है। एक बार और रिपीट बताओ करके, कुबोटा, सोनालिका, सोलिस है जी, प्रीत और सौराज। तो भाई ये जो है ना 5 डीलर एक उसी गांव से जिस गांव में ट्रैक्टर जा रहा, तो एक हिसाब से डीलर ने डीलर को ही ट्रैक्टर दे दिया है मान लो आप। मैं मैनेजर साहब मेरे हैं पुराने जो व्यापारी अभी 500 पुराने व्यापारी भी हैं। हाँ मेरी गेड़े का अलग सी है भाई, मेरी नज़र में तो ये है ना कि डीलर ने जो डीलर साहब है ना डीलर को ही ट्रैक्टर दे दिया अगर डीलर के गाँव में मतलब भाई, या नहीं मानते तो ना तो सुराज गया ना कुबोटा गया ना सोनाली का ना प्रीत, अरे एक और रह गया ना। सबसे बड़ी चीज़ माइलेज की है, माइलेज की है, नहीं सही कह रहे माइलेज की है, माइलेज समझ गया जी मैं। तो 2 साल बाद भाई ट्रैक्टर जा रहा, ये संजीव भाई है, इन्होंने गलत बता दिया था मुझे भाई संजीव तुमने। नहीं नहीं गलत नहीं बताया था, ब्लैक विलेज का नाम लिया था ना, वही है उसी हिसाब से है कंपनी। हाँ नहीं ब्लैक विलेज में ही है, अगर 2 साल तक नहीं जा रहा ब्लैक में ही है। मैं सोच बैठा कभी ट्रैक्टर गया ही नहीं आई सर का, मैं गया यार ऐसा कैसा हो सकता है, 300 साल हो जाए 4 साल हो जाए ये ब्लैक में ही रहेगा। अगर 3-4 साल तक भी मतलब ब्लैक में ही रहेगा ये, 2 साल से अगर कोई ट्रैक्टर किसी गांव में नहीं जाए तो वो रेड में आ जाएगा। तो इबिजा जैसे ये इसमें गया इधर आओ आप, तो ये टूट गया ब्लैक वाला, यू ब्लैक वाला टूट गया। अब कौन सी उसमें रेंज में चला गया, येलो प्लस ग्रीन में आ जाएगा अगर इसमें 20 साल ट्रैक्टर जाते हैं 23 में। नहीं एक से एक ट्रैक्टर का आयु और एक के बाद ना गया तो कौन सी उसमें, अगर एक साल अगले साल अगर चला गया तो येलो ग्रीन में रहेगा, अगर अगले साल भी नहीं गया तो 2 साल हो जाएंगे रेड में चला जाएगा, फिर रेड में चला जाएगा। अगर तीसरे साल भी फिर 2 साल के बाद भी अगर नहीं गया फिर ब्लैक में चला जाएगा, फिर ब्लैक में चला जाएगा। तो बिल्कुल डे बाई डे हर साल का फॉलोअप रखती है। तो ये मतलब है ब्लैक का जो मतलब ये है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कभी गया नहीं। मैं तो बता रहा कितने ट्रैक्टर के 2 साल बाद मतलब है, 3 साल बाद तो ब्लैक में था गाँव जी। ब्लैक ठीक है संजीव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आईसर की एजेंसी है भाई शामली, और ये खड़े भाई मतलब फार्म ट्रैक है 2020 मॉडल BC है न्यूलैंड, और 485 HD और 241 पीछे जो खड़े हुए भी है ख़त्म से, सस्ते ट्रैक्टर जो है भाई ख़त्म से ही है। हाँ 1 लाख रुपये वाले। कॉन्टैक्ट नंबर जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। धन्यवाद।